DSSB 2018 आर्ट का पेपर, सेक्शन सब्जेक्ट रिलेटेड है। क्वेश्चन एक है, लघु चित्र प्रेम की नाव बोट आप लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से है। उस विकल्प की पहचान के जो भारतीय मंदिरों को सही कालानुक्रम प्रदान करता है, तो राजा रानी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा, परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज, राजा रानी और कोणार्क, यानी तीसरा ऑप्शन राइट, परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज, राजा रानी, कोणार्क। क्वेश्चन तीन, निम्नलिखित में अधिकांश किस कला स्वरूप में हिंदू घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए? तो मिट्टी के बर्तनों के पाए गए। क्वेश्चन चार, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री की बनी थी? तो कांसे से बनी थी। क्वेश्चन पाँच है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में किसकी खोज की गई थी? तो मोहरों की खोज की गई थी। क्वेश्चन छः है, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला अपने चरम तक पहुंच गई? तो पल्लव काल के दौरान। क्वेश्चन सात है, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता, निम्नलिखित में किस भित्ति चित्र की से अपनाई गई थी? तो बाघ, तो एलोरा भित्ति चित्र से। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, तो ये एलोरा भित्ति चित्र से अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आठ है, हिमाऊ द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सरी कलाम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ख्वाजा अब्दुल समद को सम्मानित किया गया था। वेयर इज ऑफ द मैटरचेरी पैलेस इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है? कोच्ची में है। तो मतानचेरी कहाँ पे है? कोच्ची में है मतानचेरी। क्वेश्चन नौ है, निम्नलिखित में कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हजमनामा पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो मीर सईद अली सम्मिलित थे। ये पांडुलिपियों को क्या के चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित थे। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। पांडुलिपि चित्रों की मृगवत श्रृंखला को उनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया है? तो सल्तनत शैली में। क्वेश्चन नंबर 13, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में किसका योगदान है? हड़प्पा परंपरा। क्वेश्चन 14, चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की थी? तो तैयब मेहता। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगाईकोंडा चोलापुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राजेंद्र चोल ने कराया था गंगाईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन 16 है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मृतकों का स्थान। क्वेश्चन नंबर 17, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला के रूप में डिस्टर्ब होती है? तो मथुरा कला में। क्वेश्चन 18 है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। और क्वेश्चन 19 है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें, अबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकाल की दक्कनी शैली की प्रभावशाली ढंग से व्याख्या की है? तो विजयनगर शैली ने। सब्जेक्ट रिलेटेड है, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारनाथ के बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरियन संग्रहालय, इसमें पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है कि गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट है। गुप्त चित्रकला में शैली आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है, ये गुप्त शैली की कथन में सत्य है। क्वेश्चन दो है, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली यानी कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनीचियर पेंटिंग का संरक्षक कौन है? राजा संसार चंद। क्वेश्चन तीन, तुर्की मुर्गा यानी टर्की काक को किसने चित्रित किया? मंसूर ने। क्वेश्चन चार है, मूर्ति दीदारगंज या छड़ी ने शैलियों में निम्नलिखित में से संबंधित हो सकती है? तो ये हो है मौर्य शैली से। क्वेश्चन पाँच, चित्रकला की इन शैलियों में किसने परिचित गंदलाव झील को प्राय चित्रित किया है? तो किशनगढ़ ने। क्वेश्चन छः, निम्नलिखित कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली को सही कलानुक्रमिक में है? तो ये है अहमदनगर, फिर बीजापुर, फिर गोलकोंडा। क्वेश्चन सात है, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के निम्नलिखित शैलियों में किस शैली का चयन किया? तो रंगीन शिला मुद्र यानी ओलियोग्राफ का। क्वेश्चन आठ है, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीकी इन शैलियों में से किसके योगदान थी? तो पटना शैली का योगदान था। क्वेश्चन नौ, स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित किया? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। क्वेश्चन दस है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें कि बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? ए रामचंद्रन ने किया। चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित हैं? तो बसोली से ही संबंधित है चित्रकार के। और सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार इन चित्रकारों में किसके द्वारा किया गया है? तो अनुपम सूद। क्वेश्चन 13 में से किस स्थान पर प्रथम राग माला श्रृंखला चित्रित की गई? मेवाड़। क्वेश्चन 14 है, सर्वोच्च न्यायालय का घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? 23 जनवरी 2004 को किया था।
23 जनवरी 2004 को किया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू आप चोला ब्रॉन्ज, तो इसका होगा देवेयर ऑफ द लाइफ साइज। ऑप्शन 4 राइट है इसमें। 16 है लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी, निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है, तो अकबरनामा। तो रणथंभौर की घेराबंदी पुस्तक अकबरनामा की है। तो लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में कौन सी कला हिमाचल प्रदेश गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित है, तो पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 18 है दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन था, राजा रवि वर्मा थे। क्वेश्चन 19 उस चित्रकार की पहचान करें जिसके कार पटुआ की लोक शैली एवं बाइजेंटाइन मसीहा का संकलन था, जेमिनी राय। क्वेश्चन 20 है इन शासकों में किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, तो जहांगीर के। तो जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 1 है भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूप कर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था, तो जे स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे, NS बेंद्रे। क्वेश्चन 3 पारंपरिक कांस्य प्रतिमा में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था, तो पारंपरिक कांस्य प्रतिमा में 2 विधियों का अभ्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित एच और एच छड़ी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई थी, राम किंकर बैज द्वारा। क्वेश्चन 5 है दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुर मर्दानी निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है, ऐहोल में। निम्नलिखित में किस एकल शिलाखंडी मोनोलिथिक पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता है, अर्जुन रथ को। पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर में किसका योगदान था, राष्ट्रकूटों का। तो पत्थरों को जो काटकर बनाया गया था कैलाशनाथ मंदिर, उसमें राष्ट्रकूट का योगदान था। क्वेश्चन 8 है उस प्रसिद्ध मुद्रा निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था, तो के लक्ष्मण गौड़ ने। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला की श्रृंखला आवाजों की स्मृति रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया, तो ये रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस यानी आवाजों की श्रृंखला ये है वी रमेश ने। क्वेश्चन 10 है स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय देखा जा सकता है, विजय नगर। क्वेश्चन 11 है वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है, कांचीपुरम में। क्वेश्चन 12 है कलकत्ता आप स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, EV हैवल। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में कौन भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने पर महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए अपने पाप और भारत की परंपराओं का एकाकार करते हैं, तो रविंदर रेड्डी जी। क्वेश्चन 14 है विमला वासाही मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। और क्वेश्चन 15 है गुप्तकाल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पे है, उदयगिरी में। क्वेश्चन 16 स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के मंदिर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम है, तो कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। क्वेश्चन 18 है कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान है, विजयनगर का। क्वेश्चन 19 है प्रसिद्ध चित्रकार द अर्बेनियन नाइट निम्नलिखित में किस चित्रकार से संबंधित है, अबिंद्रनाथ टैगोर से। और क्वेश्चन 20 है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के मानक आकार की पहचान करें, तो 150 mm × 100 mm। फिर ये सेक्शन आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। क्वेश्चन 1 है जनरल यूज ऑफ मेथड ऑफ द रिफ्लेक्शन हेल्प स्टूडेंट मेक अ नोट्स अबाउट देयर, तो ऑप्शन 1 राइट है एटीट्यूड वैल्यू एंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन 2 है विषयगत कला के रूप किसी मामले से एक यह है कि यह रचनात्मक को रोकता है, विषयगत कला के रूप में से मौ में से एक यह है कि यह रचनात्मक को रचनात्मकता को रोकता है। क्वेश्चन 3 है विकसित व्यक्तियों के साथ पर्यावरणीय शिक्षा का प्रभाव लेन देन संभव है, प्रभावी ज्ञान क्षेत्र में। क्वेश्चन 4 है समावेशन पूर्व के रूप में एकीकरण से अलग है, तो इसका राइट ऑप्शन 2 होगा, हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को मानता है, हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को मानता है समावेशन।
पांचवा है समकालीन मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसा सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है? तो पोस्टर पर छवियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्टुअल नॉलेज ऑफ द कंटेंट एंड ऑफ पेडागोगी हेल्प टीचर इन, तो इसका होगा प्लानिंग एंड डिफरेंट लेसन प्लान। क्वेश्चन 7, जब हम डैश यानी कि व्यवहारात्मक परिवर्तन यानी का इरादा रखते हैं तो पुरस्कार और दंड उचित होते हैं, तो व्यवहारात्मक परिवर्तन में जब हम क्या करते हैं पुरस्कार और दंड का इरादा रखते हैं तो ये उचित है। पहले एक क्वेश्चन रहेगा, जब हम फिर डैश फिर लाने का इरादा रखते हैं तो पुरस्कार और दंड उचित होते हैं, तो व्यवहारात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में कौन सा कला रूपों के रूप में माना जाता है जो पुरानी शिक्षा से भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है? पारंपरिक गीत और लोकगीत। क्वेश्चन 9 है, भाषा सीखने के लिए मूल ड्राइव तब उत्पन्न होता है जब उस भाषा में बातचीत करने की आवश्यकता हो। क्वेश्चन 10 है, डिसग्राफिया उन छात्रों में पहचाना जाता है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, हस्तलेखन और वर्तनी की कठिनाई होती है उनमें होता है डिसग्राफिया। क्वेश्चन 11, जब आरटीआई शिक्षा का अधिकार प्रावधान के आधार पर नामांकित छात्र व्यवहार संबंधी सीखने के मुद्दे को संकेत दिखाते तो संभवतः उनके कारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होता है। क्वेश्चन 12 है, छात्र के दैनिक जीवन दिनचर्या के विषय का उपयोग के अनुसार पाठ्यक्रम मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, तो उपयोगिता का सिद्धांत। क्वेश्चन 13 है, शिक्षा की जरूरत सीखने वालों की जरूरत से अलग होती है, उन्हें अक्सर कहा जाता है सीखने के लिए पूर्व आवश्यकताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी एप्लीकेशन डेट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम ऑफ द अनऑथराइज एक्सेस ऑफ द अनट्रस्ट इन द एक्सटर्नल नेटवर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। फायरवॉल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल इन द स्टैटिक इन ऑलवेज, तो ऑप्शन 3 एन इंटीजर, तो राइट ऑप्शन 3 है एन इंटीजर। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में कौन सा पॉइंट ऑकलैंड सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निश्चित, ये नहीं संबंधित है, बाकी विश्वसनीयता प्रासंगिकता हस्तांतरण वैधता संबंधित है लेकिन निश्चित नहीं है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में कौन सी भाषा सीखने में कार्यकलाप के माध्यम से सीखने वाले केनेस्थेटिक लर्नर विषय छात्रों को शामिल करने का एक दिलचस्प तरीका है? कठपुतली का तमाशा। क्वेश्चन 18 है, समाजशास्त्र का एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए किया जाता है जिसमें छात्र किसी घटना या संदर्भ में विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस। और क्वेश्चन 20 है, ए टीचर हु ऑफ द कॉन्क्यूशन अबाउट ऑफ द एजेंडर, तो ए टीचर हु इज कंसिस अबाउट ऑफ द जेंडर कंपोजिशन इन हिज क्लासेज, तो ऑप्शन सेकंड राइट, नॉलेजेबल अबाउट ऑफ दिस ऑफ हिज लर्नर, यानी कि नॉलेजेबल अबाउट ऑफ हिज लर्नर सेकंड ऑप्शन राइट। तो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आर के स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।